हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईयर 2022 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड SCO समिट 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, SCO समिट 2022 की होस्ट कंट्री रही है उज्बेकिस्तान। SCO समिट 2022 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, ये हेल्ड की गई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर 2022 तक। इसमें पार्टिसिपेट किया गया था इंडिया की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा, वाराणसी को डिक्लेयर्ड किया गया है SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 to 2023। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 2023 की SCO समिट की होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखिएगा। SCO के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। SCO जिसकी फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। इसमें मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान इसका 9th मेंबर बनेगा, ये भी आप याद रखिएगा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में शंघाई 5 ग्रुप के नाम से। ये 5 कंट्रीज थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान के जुड़ने पर इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 2017 में, ये भी आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जगदीप धनकर। तो फ्रेंड्स जगदीप धनकर को इलेक्ट किया गया है एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022। जगदीप धनकर जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये बन गए हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहले फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रह चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टर्म के बारे में, जो कि 5 ईयर्स की होती है। ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आर वेंकटा रमणी। तो फ्रेंड्स आर वेंकटा रमणी इंडिया के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, ये भी आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड बुक की लेखिका रही हैं गीतांजलि श्री। टॉम्ब ऑफ सैंड जिसे हिंदी में रेत समाधि कहा जाता है, इस बुक को लिखा गया है गीतांजलि श्री जी के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। इसे ट्रांसलेट किया गया है हिंदी से इंग्लिश में बाय डेजी रॉकवेल, इनका नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। टॉम्ब ऑफ सैंड फर्स्ट हिंदी नॉवल है जिसने की जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इम्पोर्टेंट, 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विजेता रहे हैं डेविड डियोप, जिन्होंने की बुक लिखी थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हंसराज गंगाराम अहिर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा,
हंसराज गंगाराम आहिर हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फॉर्म्ड की गई थी 1993 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के नेम देख लेंगे फ्रेंड्स। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन है रेखा शर्मा जी, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड है अनिल कुमार लाहोटी जी। चेयरमैन ऑफ SSC है मनोज सोनी जी एंड UPSC चेयरमैन है एस किशोर जी करंट में, ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन गंगा फॉर इवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यूक्रेन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने 12th कंसेक्यूटिव ईयर, सेकेंड प्लेस पर रहा है US एंड थर्ड प्लेस पर रहा है UK, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंडिया की रैंक रही है 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। वीपो के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। वीपो जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये फाउंड किया गया था 14th जुलाई 1967 में, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 193 स्टेट्स और डायरेक्टर जनरल हैं इसके करंट में टेरेंग टैंक, इनका नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं फ्रेंड्स। 2022 के इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में देख लेंगे। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 जिसमें इंडिया की रैंक रही है 4th और टॉप किया गया है ये वियतनाम के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही है 132 और टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही है 87 और टॉप किया है जापान ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक रही है 135 और टॉप किया गया है आइलैंड के द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में न्यू दिल्ली की पोजीशन रही है 112 और मुंबई की पोजीशन रही है 117 पोजीशन और टॉप किया गया है वियना ऑस्ट्रिया के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट GSR 2022 में इंडिया की रैंक रही है 68 और टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही है 37 और टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही है 180th और टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोधेरा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, मोधेरा विलेज को भारत का पहला 24x7 सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर्ड किया गया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन of the General Assembly of International Criminal Police Organization Interpol in New Delhi. राइट आंसर इज ऑप्शन डी 90th। तो फ्रेंड्स जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल जो कि हेल्ड की गई है न्यू दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर के बीच में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया ने 1997 के बाद होस्ट किया है इस कॉन्फ्रेंस को। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, जिसे इंटरपोल भी कहते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस बॉडी होती है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1923 में, इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में और करंट में इसके चीफ हैं मैंग होंगवेई और इसमें करंट में मेंबर्स हैं 195 मेंबर्स, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु।
तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बनाया गया है तमिलनाडु के पोगबे में, ये या आपने याद रखना है। डगोंग जो कि एक हर्बीवोरस मरीन मैमल होता है, इसे कॉमनली जाना जाता है सी काउस के नाम से, ये या आप याद रखिएगा। ये पाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार, पोगबे, गल्फ ऑफ कच्च एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये प्रोटेक्ट की गई है इंडिया में अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से, ये इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये आपने याद रखना है। अवार्ड का नाम रखा गया है बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मेजर ध्यानचंद, और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट रहे हैं इस अवार्ड के चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, जिन्हें की ये अवार्ड दिया गया था 1991 से 1992 में। 2022 में मेजर ध्यानचंद अवार्डी रहे हैं अचानता शरद कमल जी, जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये प्रेजेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which team has won the title of Tata IPL 2022? Right answer is option A, Gujarat Titans. तो फ्रेंड्स, गुजरात टाइटंस ने डिफीट किया है राजस्थान रॉयल्स को बाय 7 विकेट्स इन द फाइनल मैच ऑफ टाटा आईपीएल 2022, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसका वेन्यू रहा है इंडिया में और ये 15th एडिशन था आईपीएल का, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेम्स ऑफ अदर अवार्डीज देख लेंगे। पर्पल कैप जो कि दी जाती है मोस्ट विकेट्स के लिए, ये साल दी गई है युजवेंद्र चहल जी को, जिन्होंने की 27 विकेट्स लिए हैं और ये राजस्थान रॉयल्स टीम से बिलोंग करते हैं। ऑरेंज कैप जो कि दी जाती है मोस्ट रन्स के लिए, ये जोस पटलर को दी गई है, इन्होंने 863 रन्स लिए हैं, ये राजस्थान रॉयल्स टीम से बिलोंग करते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे हैं दिनेश कार्तिक, प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं जोस पटलर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं जोस बटलर, ये भी आप याद रखिएगा। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर रहा टाटा, ऑफिशियल पार्टनर रहा रुपए और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे ईशान किशन जी, जो कि मुंबई इंडियंस टीम से बिलोंग करते हैं। दो नई टीम्स रही गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के मेडल टैली में टॉप किया है। टॉप फोर कंट्रीज देख लेंगे मेडल टैली में। ऑस्ट्रेलिया जो कि 178 मेडल्स के साथ टॉपर है। सेकंड प्लेस पर रहा है इंग्लैंड, जो कि 76 मेडल्स के साथ सेकंड प्लेस पर है। कनाडा 92 मेडल्स के साथ थर्ड प्लेस पर है और फोर्थ प्लेस पर रहा है फ्रेंड्स इंडिया, ये आपने जरूर याद रखना है। इंडिया के मेडल्स हैं 61, जिसमें कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल रहे। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं और मणिपुर से हैं, ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने की विन किया गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। इसका वेन्यू रहा बर्मिंघम इंग्लैंड में और ये एडिशन था इसका 22nd। ये 28th जुलाई से 8th अगस्त 2022 तक रहे। इसका मैस्कट रहा पैरी द बुल और मोटो था इसका स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रिटन ऑन द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नवदीप सिंह गिल। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा की शॉर्ट बायोग्राफी पर लिखी गई पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक रहे हैं नवदीप सिंह गिल जी, इनका नाम आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया की ओर से, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following word has been declared as word of the year for 2022 by the Oxford English Dictionary? Right answer हो जाएगा friends option D, goblin mod. तो friends आपने याद रखना है goblin mod को declared किया गया है as word of the year for 2022 by the Oxford English Dictionary, ये आप याद रखिएगा। Merriam Webster's word of the year for 2022 रहा है gaslighting, ये आपने याद रखना है। Collins Dictionary's word of the year 2022 रहा है permacrisis एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा है होमर, ये भी आप याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में।
Next question. Who has become the 77th chess grandmaster of India during an ongoing Alo-Breguet Open tournament in Spain? Right answer is option D, Aditya Mittal. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आदित्य मित्तल बन गए हैं 77th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 2022 में बने ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया जो कि चेस की फील्ड में बने जाते हैं, ईयर 2022 में 5 ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया बने हैं। 73rd ग्रैंड मास्टर्स ऑफ इंडिया बने थे भरत सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं राहुल श्रीवास्तव पी जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं वी प्रणव जी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं प्रणव आनंद जी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और 77th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं आदित्य मित्तल जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which film won the Best Feature Film Award at the 68th National Film Awards? Right answer is option A, Surarai Potru. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सोराराई पोत्रू ने बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जीता है। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की विनर लिस्ट देख लेंगे फ्रेंड्स। बेस्ट फीचर फिल्म रही है सोराराई पोत्रू। बेस्ट एक्टर रहे हैं सूर्या फॉर सूराराई पोत्रू एंड अजय देवगन फॉर तान्हा जी। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं अपर्णा बाला मुरली सोराराई पोत्रू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं सचिदानंदन के आर। इनका नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहिब फाल्के अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आशा पारेख। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं आशा पारेख। ये आप याद रखिएगा, आशा पारेख जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, इन्हें पद्मश्री मिला था 1992 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में देख लेंगे, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट विनर रही हैं देविका रानी जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। 2019 में इसके विजेता रहे थे रजनीकांत। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 5th जून। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम रही है ओनली वन अर्थ। 2022 में इसका 50th एडिशन मनाया गया है। स्वीडन इसकी होस्ट कंट्री रहा है इस साल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द मेंस AIFF बॉलर ऑफ द ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सुनील छेत्री बन गए हैं मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021-2022 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये मेंस कैटेगरी में जीता गया है सुनील छेत्री जी के द्वारा, जो कि 7th टाइम जीता गया है इनके द्वारा, और ये मोस्ट टाइम्स जीता जा चुका है सुनील छेत्री जी के द्वारा। वीमेन्स कैटेगरी में ये जीता गया है मनीषा कल्याण जी के द्वारा जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, और ये इनका फर्स्ट अवार्ड है, ये भी आप याद रखिएगा। AIFF जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे जी करंट में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as chairperson of 22nd Law Commission of India? Right answer is option D, Rituraj Awasthi. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जो कि फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं एज चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये एक नॉन स्टैचुटरी बॉडी है जो कि फॉर्म्ड की गई थी 1834 में। ये कंस्टिट्यूट की जाती है 3 ईयर्स के लिए। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक परमानेंट मेंबर होता है, और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी टर्म एंड हुई थी 31st अगस्त 2018 में, ये हेड किया गया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस PS चौहान के द्वारा। और फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन रहे हैं 1955 में MC सतलवाद जी। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 टाइटल फॉर द 2nd कंसेक्यूटिव ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
मैक्स वर्स्टैपन। तो फ्रेंड्स, लगातार दूसरे साल फॉर्मूला वन रेस चैंपियनशिप 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। 2022 में इनके द्वारा कई ग्रैंड प्रिक्स जीते गए हैं, इसलिए ये पर्सनैलिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फ्रेंड्स, ईयर 2022 में मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई इम्पोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स के बारे में देख लेंगे। फॉर्मूला वन मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, जिसके विनर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन, इसका वेन्यू रहा था फ्लोरिडा यूएस में। फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड्स से बिलोंग करते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई है। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स एंड बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हैज लॉन्च्ड अ मल्टी फेज ऑपरेशन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑपरेशन गरुड़ा। तो ऑपरेशन गरुड़ा जो कि लॉन्च्ड किया गया है CBI के द्वारा, ये एक मल्टीफेज ऑपरेशन है अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। इसके लिए CBI ने कोऑर्डिनेट किया है विद इंटरपोल एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। CBI के बारे में देख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये फॉर्म्ड किया गया था 1963 में। इसके हेड हैं करंट में सुबोध कुमार जायसवाल जी, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रेवल टू स्पेस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निकोल मन। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला है निकोल मन, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कमीशन रिसेंटली सेट अप टू एग्जामिन द शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्टिस KG बालकृष्णन। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक कमीशन टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग SC स्टेटस टू द पर्सन हु हैव हिस्टोरिकली बिलोंग्ड टू द शेड्यूल कास्ट बट हैव कन्वर्टेड टू रिलीजन्स अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। ये एक 3 मेंबर का कमीशन होगा जो कि हेड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन जी के द्वारा, और कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा 2 ईयर्स में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्ष इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, RBI। तो फ्रेंड्स, दक्ष एक ऐप है जो कि RBI के द्वारा लॉन्च्ड किया गया है। RBI के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। RBI जिसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसे नेशनलाइज्ड किया गया था 1 जनवरी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI सेटअप हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI रहे हैं सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI रहे हैं CD देशमुख जी, इनका नाम आप याद रखिएगा 25th। और करंट गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टॉम क्रूज। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, टॉम क्रूज बनेंगे फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड एन MBBS कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भोपाल। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, MBBS कोर्स हिंदी में लॉन्च्ड किया गया है फर्स्ट टाइम, और ये किस सिटी में लॉन्च्ड किया गया है? तो भोपाल में, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने रिप्लेस किया है UU ललित को जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्होंने रिप्लेस किया था NV रमणा को। तो फ्रेंड्स, ईयर 2022 में आपको 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, NV रमणा, UU ललित एंड नाउ जस्टिस DY चंद्रचूड़। CJI के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स।
ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 इयर्स। फर्स्ट सीजेआई रहे हैं हीरालाल जेकानिया जी, शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं के एन सिंह जी, ये आप याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई रहे हैं वाई वी चंद्रचूड़ जी, जो कि फादर थे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी के, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबादी हलीम बीट ऑल ऑफ देम टू बैग द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इन द फूड कैटेगरी, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जीआई टैग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 10 इयर्स। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद हलीम को जीआई टैग अवार्डेड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आप याद रखिएगा। जीआई टैग जिसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया, ये इश्यू किया जाता है प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर गुड्स, वाइन एंड स्प्रिट ड्रिंक्स, फूड स्टफ्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यह इंश्योर करता है कि ऑथराइज्ड यूजर ही यूज कर सकता है पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम को, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। जीआई टैग की ड्यूरेशन होती है फ्रेंड्स 10 इयर्स, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज पंडित बिरजू महाराज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी टांस। फ्रेंड्स, पंडित बिरजू महाराज जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये एक लीजेंडरी कथक डांसर थे जिनका की 2022 में निधन हो गया है। ये बिलोंग करते हैं कथक के लखनऊ काल का बिंदादिन घराने से, और 2021 में इनकी लाइफ पर एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका टाइटल था नृत्य सम्राट पीटी बिरजू महाराज। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 1986 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1964 में, और लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था। ये सब इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। संगीत नाटक एकेडमी ने रिकॉग्नाइज्ड किए हैं 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को, ये आपने जरूर याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, सेकंड है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, थर्ड है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, और इसी डांस से पंडित बिरजू महाराज जी एसोसिएटेड है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। चौथे और पांचवे नंबर पर आते हैं मोहिनीअट्टम एंड कथकली जो कि केरल के क्लासिकल डांसेस हैं। सिक्स प्लेस पर आता है ओडिसी जो कि ओडिशा का क्लासिकल डांस है, और सेवंथ प्लेस पर आता है मणिपुरी जो कि मणिपुर का क्लासिकल डांस है, और फ्रेंड्स याद रखिएगा एट्थ प्लेस पर आता है सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। ये आठों क्लासिकल डांस आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट कैग ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है करंट कैग ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। कैग जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1858 में। इसकी टर्म लेंथ होती है अप टू 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। ये रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये नॉमिनेट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर वेलकमिंग रेफ्यूजीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंजेला मार्केल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों के स्वागत के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। द अवार्ड नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट एंड इज ऑफिशियली कॉल्ड द फेलिक्स हफोएट बोजन यूनेस्को पीस प्राइज, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन जर्नलिस्ट हैज वॉन द पुलिस्कर प्राइज 2022 इन द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फहमीदा अजीम। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने पुलित्जर प्राइज 2022 जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। बांग्लादेश की बॉर्न पेंटर एंड स्टोरी टेलर फहमीदा अजीम, जिन्होंने की वर्क किया था यूएस ऑनलाइन मैगजीन इनसाइडर के साथ, ये सिलेक्ट की गई हैं 2022 पुलित्जर प्राइज के लिए, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ ही याद रखिएगा कि पुलित्जर प्राइज दिया जाता है जर्नलिज्म की फील्ड में। 2022 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लेंगे फ्रेंड्स। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 टू 2022 विमेंस कैटेगरी में ये दिया गया है सविता पुनिया को, और मेंस कैटेगरी में PR श्रीजेश को। 32nd बिहारी पुरस्कार के विजेता रहे हैं माधव हाडा जी।
शास्त्रा रामानुजन प्राइस 2022 के विजेता रहे हैं। यकिंग टैंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट के विजेता रहे हैं। डॉक्टर विवेक लाल चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स के विजेता रहे हैं। सृष्टि बख्शी जी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 के विजेता रहे हैं। कुमार सानू जी 2022 में दिया गया था आनंद मिलिंद जी को, और लता मंगेशकर अवार्ड 2019 दिया गया था शैलेंद्र सिंह को। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच विच वर एडिड टू द लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 2022 में मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें की ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया था ये लक्षद्वीप में सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और अब तक इंडिया के 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा दिया जा चुका है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। ये प्रोवाइड करती है ब्रेकफास्ट इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। इम्पोर्टेंट स्कीम्स देख लेंगे फ्रेंड्स 2022 की। लाडली लक्ष्मी स्कीम 2 जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, इसका फर्स्ट वर्जन शुरू किया गया था 2007 में, ये भी आप याद रखिएगा। हिम पुलिस स्कीम उत्तराखंड में शुरू की गई है। जिभला स्कीम जो कि महाराष्ट्र में शुरू की गई है, ये कैदियों को लोन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। मातृभूमि वरासत और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम यूपी की स्कीम्स हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। सेहत स्कीम जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है, ये आप याद रखिएगा। नई रोशनी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज वॉन नोबेल प्राइज 2022 फॉर मेडिसिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्वांते पेबो। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा स्वांते पेबो ने वॉन किया है नोबेल प्राइज 2022 फॉर मेडिसिन। नोबेल प्राइज जो कि दिया जाता है इन द नेम ऑफ एल्फर्ड नोबेल जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे, डायनामाइट इन्वेंटर रहे थे ये भी आप याद रखिएगा। और ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था 1901 में। ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसे नोबेल पीस प्राइज भी कहते हैं। यहाँ पर 2022 के नोबेल प्राइज की लिस्ट देख लेंगे फ्रेंड्स। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज 2022 जो कि 3 पर्सन्स में शेयर किया गया है। ये 3 पर्सन्स हैं कैरोलिन बर्टोजी जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, कार्ल बेरी शार्पलेस ये भी यूएस से बिलोंग करते हैं, मॉर्टन मेल्डल ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्क किया था इन द फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट फिजिक्स, फिजिक्स के फील्ड में भी 3 पीपल में शेयर किया गया है प्राइज। एलन एस्पेक्ट्स जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जॉन एफ क्लोजर ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, एंड एंटोन जेलिंजर जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्क किया था ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है स्वेंते पेबो को, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। नोबेल पीस प्राइज 2 ऑर्गेनाइजेशन और 1 पर्सन में शेयर किया गया है, ये हैं एल्स बायास की जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं, मेमोरियल जो कि रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों में ये प्राइज शेयर किया गया है। इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये दिया गया है 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को, बेन एस बन्नान के, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबविक को, ये आप याद रखिएगा। लिटरेचर में ये अवार्ड दिया गया है एनी अननेक्स को जो कि एक फ्रेंच ऑथर हैं। यहाँ से फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन सब के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मीटिंग 2022 जो कि इसका सेकेंड एडिशन रहा है, इसकी होस्ट कंट्री रही है इंडिया, न्यू दिल्ली। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये एस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1997 में। इसके मेंबर कंट्रीज हैं 7 मेंबर, इंडिया, थाईलैंड,
म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुण गोयल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यह एस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में। इसकी टर्म लेंथ होती है अप टू 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे थे सुकुमार सेन जी, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट वुमेन और 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही हैं वीएस रामा देवी जी, जो कि 1990 में अपॉइंट की गई थी। करंट और 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है राजीव कुमार जी, ये आपने याद रखना है। इन्होंने रिप्लेस किया है 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्र जी को। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has become the first state in India to set up a separate department for the disabled? Right answer is option B, Maharashtra. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र विकलांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। Next question, Who is the youngest Prime Minister of the United Kingdom in the UK's history? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऋषि सुनक। तो फ्रेंड्स ऋषि सुनक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और ये बन गए हैं यंगेस्ट लीडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम सिंस 1812। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ही इज ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड हिंदू फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दीपा मलिक। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सो 2022 के इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। एथलीट नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में इंडिया की ओर से गोल्ड मेडल जीता था, ये आप याद रखिएगा। लियोनी मैसी बन गए हैं बायजूस के फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह जी। सौरभ गांगुली एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक बने हैं। स्मृति मंदाना जो कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की एम्बेसडर बनी है, इनका नाम आप याद रखिएगा। रोहित शर्मा एंड हिज वाइफ रितिका सजते हैं एम्बेसडर नियुक्त की गई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। पुण्या कोटी दत्तू योजना जो कि कर्नाटक की योजना है, इसके एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं किचा सुदीप जी। वाणी कपूर को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ नॉइज एक्स फिट 2 स्मार्ट वॉच। रवि शास्त्री जी को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ फैन कॉड। महेंद्र सिंह धोनी एम्बेसडर हैं गरुड़ा एरोस्पेस के, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम ओपन्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम एंड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम इन द वर्ल्ड ओपन किया गया है हैदराबाद में, ये आप याद रखिएगा। प्रत्येक एटीएम में कैपेसिटी है 5 किलो तक के सोने को रखने की, जिसकी वर्थ लगभग 2 से 3 करोड़ रुपीज के बराबर है। ये डिस्पेंस करता है गोल्ड कॉइन्स इन डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशंस रेंजिंग फ्रॉम 0.5 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स, ये आप याद रखिएगा। और इसमें 8 अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जिसमें इंक्लूड हैं 0.5 ग्राम्स, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स और 100 ग्राम्स, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद एट उमरोई इन मेघालय इन दिसंबर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड कजाकिस्तान ने जॉइंटली कंडक्ट की है ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद मेघालय के उमरोई में, और ये इसका 2022 में 6th एडिशन था, जो कि कंडक्ट किया गया था 15 से 28 दिसंबर के बीच में।
इंडिया की ओर से गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्साइज में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। 2022 की इम्पोर्टेंट एक्साइज देख लेंगे। 8th ज्वाइंट मिलिट्री एक्स गरुड़ा शक्ति ऑर्गेनाइज्ड की गई है कारवंग इंडोनेशिया में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 26th इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्साइज में जो की ऑर्गेनाइज्ड की गई है जापान में। मैत्री एक्साइज जो कि ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये आप याद रखिएगा। एक्वरिन एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। हैंड इन हैंड एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया एंड चाइना के बीच में। मित्र शक्ति एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। हरिमाऊ शक्ति एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में कुरुक्षेत्र एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नोमेडिक एलिफेंट एक्साइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में ऑर्गेनाइज्ड की जाती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज्ड की जाती है शक्ति एक्साइज। सूर्य किरण एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड की जाती है इंडिया और नेपाल के बीच में, और इंडिया और यूएस के बीच में ऑर्गेनाइज्ड की जाती है युद्ध अभ्यास एक्साइज, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्साइजेस हैं फ्रेंड्स जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 2022 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। ये 2022 में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक आईसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। इसकी होस्ट कंट्री रही है ऑस्ट्रेलिया, चैंपियन कंट्री रही है इंग्लैंड जो कि इसका सेकेंड टाइटल है, रनर अप टीम रही है पाकिस्तान। इसमें पार्टिसिपेंट्स रही थी 16 टीम्स और 45 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सैम क्यूरन जो कि इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं। मोस्ट रन्स लिए गए विराट कोहली के द्वारा, इन्होंने 296 रन्स लिए। मोस्ट विकेट्स लिए गए वानिंडु हसरंगा के द्वारा जो कि श्रीलंका टीम से हैं। फ्रेंड्स अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्रीज देख लेंगे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 की ऑस्ट्रेलिया होस्ट कंट्री रही है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की होस्ट कंट्री रहेगी यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया एंड श्रीलंका, ये आप जरूर याद रखिएगा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2028 की होस्ट कंट्री रहेगी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2030 की होस्ट कंट्री रहेगी इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 की होस्ट कंट्री रहेगी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2031 की होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया एंड बांग्लादेश। आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री रहेगी 2024 में बांग्लादेश। आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप की 2026 में होस्ट कंट्री रहेगी इंग्लैंड। आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की 2025 में इंडिया होस्ट कंट्री रहेगी। आईसीसी वीमेंस टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की होस्ट कंट्री रहेगी श्रीलंका, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इसकी होस्ट कंट्री रही थी कतर जहां इसका 22nd एडिशन होस्ट किया गया है। ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में होस्ट किया गया। इसमें 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और इसका मैस्कट रहा लाइव। चैंपियन रही अर्जेंटीना जो कि इसका थर्ड टाइटल है 2022 में। फर्स्ट टाइम इसने ये खिताब जीता था 1978 में और सेकेंड टाइम 1986 में। रनर अप टीम रही है फ्रांस और थर्ड प्लेस पर रहा है क्रोशिया। मैचेस प्ले किए गए 64, टॉप स्कोरर रहे कैलियन एम्बप्पे जिन्होंने की 8 गोल्स लिए, ये फ्रांस टीम से बिलोंग करते हैं। बेस्ट यंग प्लेयर रहे एंजो फर्नांडेज जो की अर्जेंटीना टीम से बिलोंग करते हैं, और बेस्ट गोलकीपर रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज जो की अर्जेंटीना टीम से बिलोंग करते हैं, और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है इंग्लैंड टीम को।
फीफा के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। फीफा जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये फाउंड किया गया था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं करंट में गियानी इन्फेंटिनो। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का 23rd एडिशन होस्ट किया जाएगा यूएसए, कैनेडा एंड मैक्सिको में, ये भी आप याद रखियेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become 15th President of India? Right answer is option D, Draupadi Murmu. Draupadi Murmu 15th President of India बनी है। ये first tribal and second woman President of India बनी है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल first woman President of India रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि बीजेपी पार्टी से belong करती हैं, preceded by रामनाथ कोविंद, ये 9th गवर्नर ऑफ झारखंड रह चुकी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये बोर्न हुई थी 1958 में मयूरभंज ओडिशा में और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many people have awarded with the Ramon Magsaysay Awards 2022? Right answer is option C, 4. तो फ्रेंड्स रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स जिसे नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये अवार्डेड किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर। 2022 में 4 पीपल ने इस अवार्ड को रिसीव किया है, सोदेरा चीम जो कि कम्बोडिया से बिलोंग करते हैं, बन्ना देते मैड्रिड जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, गैरी बेंचगिब जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं और तदाशी हतोरी ये जापान से बिलोंग करते हैं। इन चारों को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च्ड किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट चीता के अंदर 8 चीता को जिसमें से 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, इनको री इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये लाए गए हैं नामीबिया से, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेंगे, इसकी कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर है मंगू भाई चगन भाई पटेल जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। नामीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है विंडहोक, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी ऑन गूगल इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नूपुर शर्मा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ईयर 2022 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी रही हैं नूपुर शर्मा, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ वीडियो कंप्लीट होती है, ये 50 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो फ्रेंड्स, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू फ्रेंड्स।